नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बाबा धाम स्थित बाल उद्यान को। 2 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से इस उद्यान का लोकार्पण किया गया। अमृत मिशन योजना के तहत इस उद्यान का निर्माण 93 लाख रुपए की लागत से किया गया है। दोस्तों, शहरों में रहने के लाभ बहुत अधिक हैं, पर इनकी कमियां भी हैं। शहरी स्थान कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, जहां हरियाली खोजना संभव नहीं है। यही कारण है कि अब शहर विकास की योजना में आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ पार्क को भी विकसित करने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। कुछ साल पहले नगर निगम रायगढ़ को अमृत मिशन योजना में शामिल किया गया। अमृत मिशन में शहरों में सीवरेज और पानी की व्यवस्था करने की प्राथमिकता रहती है। इसके अलावा शहर में ग्रीन जोन भी विकसित किए जाते हैं। जगह जगह ग्रीन एरिया विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई और इसी योजना के तहत शहर में कोसमनारा स्थित बाबा धाम के पास बाबा धाम बाल उद्यान बनाया गया है। दोस्तों, इस पार्क में बच्चों के लिए भी काफ़ी विशेष ध्यान रखा गया है। उनके लिए एक किड्स प्लेइंग एरिया डेवलप किया गया है, जहां पर आकर बच्चे विभिन्न प्रकार के झूलों आदि का मजा ले सकते हैं। इस हरे भरे उद्यान में बच्चों के लिए प्ले एरिया तो बनाया ही गया है, साथ ही बड़े बुजुर्गों के लिए वॉकिंग और जॉगिंग करने के लिए वॉकवे का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई जगह संदेश लिखे हुए हैं। साढ़े 3 एकड़ एरिया में फैला यह पार्क अपनी सुंदरता से आपका मन मोह लेता है। इस पार्क में लाइट जलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह पर्यावरण संरक्षण में यह पार्क अपनी एक महती भूमिका अदा कर रहा है। इस पार्क में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और जगह जगह पर डस्टबिन वगैरह भी लगाए गए हैं, ताकि लोग कचरा यहाँ वहाँ न फेंकें। यह पार्क काफ़ी सुंदर और आकर्षक है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ आ सकते हैं और एक क्वालिटी भरा समय स्पेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए व्लॉग में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।